सो फाइनली अब उड़िया फिल्म इंडस्ट्री ने भी अपनी उड़ान भरनी शुरू कर दी है और एक मास्टरपीस फिल्म दमन के साथ उन्होंने हल्ला बोलकर ये बता दिया है कि अब बेस्ट फिल्मों की रेस में वो भी किसी से पीछे नहीं है। मूवी ने बाहुबली डॉकी भाई सबको नीचे गिरा दिया, आई मीन सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक पावरफुल सिनेमा जो सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है, ये रियल लाइफ में इश्यूज को बोल्ड तरीके से हाईलाइट करता है। ऐसी शॉकिंग रियलिटी जिसके बारे में देश के 99.99% लोग जानते भी नहीं है, उसको एक्सपोज करते हुए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया जाता है। जब एक छोटी सी आशा और अपने काम के प्रति ईमानदारी और कुछ अलग करने का जुनून हो तो सफलता उसके कदम चूमती है और ऐसी ही सफलता का परचम लहराते हुए आजकल अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी नाम का दबदबा है तो वो है दमन। प्लीज कीप ऑन डूइंग सच ओडिया फिल्म, सो नाइसली स्क्रिप्टेड, सो नाइसली डायरेक्टेड, सो नाइसली मेड, आई एम प्राउड। फिल्मों में सबसे बड़ी जो एक चीज मिसिंग है वो हीरोइज्म, लेकिन इस फिल्म में वो हीरोइज्म था। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग था। The film was nice. It was inspirational for all young children who want to be a doctor, scientist. New film from Orissa. Everybody's been talking to me about it. In fact, Prashant Neel told me about it. Like sir said, you know, we sit here and talk about North and South. We have unexplored territory, open, like the Wild West. It's right. a ready East. 150 गांव के बीच में एक डॉक्टर, मलेरिया को वो लोग भूत प्रेत और तांत्रिक समझते हैं और उस पर सब लोग तांत्रिक लोग कमा रहे हैं और उसके सामने ये एक डॉक्टर सेवा कर रहा है, इससे बढ़के और बड़ा सब्जेक्ट क्या हो सकता है। नो नॉनसेंस स्टोरी टेलिंग, पूरा फोकस इशू को हाईलाइट करने पे है। ओडिया भाषा में इस फिल्म की सफलता को देखते हुए इसके मेकर्स ने पैन इंडिया जाने का फैसला लिया है। फिल्म की हिंदी वर्जन की डबिंग हो चुकी है, जल्द ही इसे हिंदी में रिलीज किया जाएगा।